वेलकम टू फूड प्लेशर्स विद नीलोफर। और आज हम बना रहे हैं तिलकुट। ये हमारे हमने घर में बहुत ही बेहतरीन सा तिलकुट बनाया है, बहुत ही खस्ता बना है। इसके लिए हम लेंगे गुड़ और तिल। ये सफ़ेद तिल है तो हमने यहाँ 100 ग्राम तिल लिया है, पर बहुत हल्की धीमी आँच पे हम इसे रोस्ट करेंगे और चलाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट पर और थोड़ा फैला लेंगे इसे। अब हम यहाँ पर 100 ग्राम गुड़ ले रहे हैं, तो मेरे पास गुड़ ज़्यादा था, मैंने मेज़र किया है। अब 100 ग्राम लेंगे। गुड़ को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ये पिघलने में आसान हो जाए। थोड़ा ज़्यादा था, अभी परफेक्ट 100 ग्राम्स है। तिल हमारे ठंडे हो गए हैं और हमें तिल को ठंडा करके ही ग्राइंड करना है। याद रखिए, अगर गर्म करेंगे तो उससे तेल निकल आएगा। हमें मिक्सी में से पल्स मोड पर ग्राइंड करना है, यानी थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा सब ग्राइंड करेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में गुड़ डाल रहे हैं और उसमें ज़रा सा पानी, एक चम्मच के करीब पानी डाल रहे हैं और हमको पकाएंगे। उसको मेल्ट करना है हमें, तो गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है, इसमें फोम आना शुरू हो गया है। इसको चेक करेंगे हम। पानी में डालने से ये घुल जा रहा है, इसका मतलब ये अभी नहीं हुआ है और पकेगा। इसे और चलाएँगे। गुड़ को पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसे फिर से चेक कर रहे हैं, तो देखिए हमारा जो गुड़ है वो गाढ़ा हो गया है, इकट्ठा हो गया है, ये बिल्कुल कड़ा सा हो गया है। इसे हम 1 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून इसमें हम घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी के साथ, और इसमें पिसा हुआ तिल डाल देंगे। तो सारा तिल डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है कि गुड़ और तिल जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। इसमें मैंने डाला है कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर, 1/2 टीस्पून, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है कि तिल और गुड़ बिल्कुल मिलकर एक साथ मिल जाए, सारा का सारा इकट्ठा हो जाए। तो जो चिपक रहा है उसे भी आप रिमूव कर लें, चम्मच से हटा लें, और सारा एक मतलब एक डो की शेप ले लेगा। अब हमें सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना है, तो थोड़ा सा अगर वेरेबल हो जाए तो हम इसके बोल्स बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 बोल्स बनाए हैं। अब ये मॉडर्न पेसल का जो कूटने का आता है उससे हम कूट रहे हैं। एक फ्लैट सरफेस रख के हमें इस तरह से शेप देना है। उसके ऊपर मैंने कुछ बादाम की कतरन डाल दी हैं और इस तरह से हम कूट कर शेप दे देंगे और हमारा तिलकुट बनके तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ा सूखने देंगे। उसके बाद देखिए इसे चेक करें, मैंने इसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए और ये बहुत ही अच्छा बना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।